उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई कि मनुष्य पापी है। उन्होंने ये भी बात याद दिलाई हमको कि कोई भी पापी अपने स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता, बल्कि पापियों के उद्धार के लिए प्रभु यीशु इस संसार में पधारे, जिससे कि प्रभु यीशु के सूली पर के बलिदान के द्वारा हमको नया जीवन मिल सके। और इस नए जीवन के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके जिन्होंने भी पाया है, उन लोगों को मृत्यु से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वे इस संसार को छोड़ जाएंगे तब वे प्रभु की उपस्थिति में चले जाएंगे। भाई ने ये जो बात कही है उसको गंभीरता से सोचें। आज इस सभा में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो वे इस बात से भागे नहीं। सभा के बाद मेरे पास आइए, मैं ये विषय आपको और स्पष्ट कर दूंगा। पिछले कुछ महीनों में यहाँ एक या अनेक लोगों ने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके शाश्वत जीवन पाया है। उनमें से कुछ लोग बपतिस्मा पाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि जब हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं तब उसके बाद हमको बपतिस्मा लेना जरूरी है। और इसलिए यदि आप सचमुच में प्रभु यीशु से प्रेम करते हों तो मेरा एक मिनट में इसको ऑफ ही कर देता हूँ तो लफड़ाई नहीं रहेगा। इसलिए यदि आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया हो तो आपके लिए जरूरी है कि प्रभु की अगली आज्ञा का पालन करें। और अगली आज्ञा यह है कि हम जिन्होंने विश्वास करके शाश्वत जीवन पाया है, हम बपतिस्मे के द्वारा अपनी गवाही स्पष्ट करें। बपतिस्मा क्या होता है? जिसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है उस व्यक्ति को नदी में या नहर में या किसी टैंक में पानी में उतार के खड़ा कर देते हैं। वो व्यक्ति और जो बपतिस्मा देने वाला है दोनों में पानी में उतर जाते हैं, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो बपतिस्मा देने वाला होता है वो ये कहता है कि पुत्र या पुत्री, मैं तुमको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, और उस व्यक्ति को पानी में ठंड भर के लिए डुबा के बाहर ले आते हैं। आप में से यदि किसी ने बपतिस्मा नहीं देखा हो तो आपके लिए एक गोल्डन अवसर है इस बुधवार को। इस बुधवार को यहाँ दो बपतिस्मे होने वाले हैं। यहाँ जो बरामदा है वहाँ पर रबर के शीट के नीचे छुपा हुआ काफ़ी बड़ा एक टैंक है, वो टैंक खोलकर उसमें पानी भर के रखेंगे। और एक युवा भाई और एक युवा बहन दोनों आज इस सभा में मौजूद हैं, उनको बपतिस्मा दिया जाएगा बुधवार शाम को 5 बजे। आप में से जो भी समय निकाल सकें आकर निश्चित रूप से इस बपतिस्मे में शामिल हों, जिससे आपको पता तो चले कि बपतिस्मा कैसे दिया जाता है। जिन्होंने बपतिस्मा पा लिया है वे समय निकाल कर इसमें शामिल हों, क्योंकि बपतिस्मा एक व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक खुशी का अवसर होता है, और उस खुशी में शामिल होना सह विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, जिन्होंने बपतिस्मे की मांग की है वे और बाकी सब लोगों के लिए प्रभु के वचन से ये समझना जरूरी है कि बपतिस्मा होता क्या है, क्यों दिया जाता है और उससे हमारे जीवन में क्या होता है। प्रभु ने मदद की तो अगले संडे से 2 या 3 संडे मैं बपतिस्मे के बारे में विस्तार से यहाँ पर क्लास लूँगा। इसको कोई भी भाई या बहन मिस ना करें,
इवन जिन्होंने बपतिस्मा पाया है वे भी मिस ना करें, क्योंकि हिंदी क्लास में मैंने इस तरह से विस्तार से कभी भी क्लास नहीं लिया है, और इसलिए ये जो क्लास मैं लूँगा इसको मिस ना करें, ये एक विशेष क्लास है। आज हम पिछले हफ्ते के अध्ययन को जारी रखते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय के 18वें पद से हमने पिछले हफ्ते अध्ययन किया था, 18 से हम पढ़ेंगे जिससे कि वो निरंतरता कंटिन्यूटी बनी रहे। 18वें पद में हम पढ़ते हैं, हे लड़कों ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, इसका विस्तार मैंने इसके पहले आपको दिया था। मैंने ये बताया था कि सृष्टि से लेकर भविष्य में जो होने वाली बातें हैं और मनुष्य शाश्वत काल में प्रवेश करेगा, इन सब का विस्तार प्रभु के वचन में दिया हुआ है, और हम में से हर व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उसका विस्तार थोड़ा सा मैंने आपको दिया था कि बहुत जल्दी ही प्रभु यीशु मध्य आकाश में आएंगे। मध्य आकाश में वे जितने आज जीवित शाश्वत जीवन पाए हुए लोग हैं उनका रूपांतर कर देंगे, और शाश्वत जीवन पाने के बाद जो लोग सो चुके हैं, गुजर चुके हैं, उनको पुनर्जीवित कर दिया जाएगा, उनको भी यही रूपांतरित शरीर दिया जाएगा। तो जो पुनर्जीवित हो जाते हैं वे और हम रूपांतरित शरीर में मध्य आकाश में उठा लिए जाएंगे। वहाँ 7 साल हम रहेंगे प्रभु के साथ। उन 7 सालों में हमारा न्याय होगा, करोड़ों 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 लोग हैं उनका न्याय होगा। उन 7 सालों में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा लीडर उठेगा। बहुत बड़ा से मेरा मतलब यह नहीं है कि वो बहुत महान होगा, बहुत बड़ा से मेरा मतलब यह है कि सारे दुनिया को अपने नियंत्रण में लेने के लिए बुद्धिशाली व्यक्ति का उदय होगा। उस व्यक्ति को प्रभु का वचन ख्रिस्त विरोधी कहता है, या इंग्लिश में एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। ख्रिस्त विरोधी एक व्यक्ति है जो हम सबके यहाँ से उठा लिए जाने के बाद दुनिया में उभर कर आएगा और लगभग सारी दुनिया का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। प्रभु का वचन ये कहता है कि इस तरह का एक व्यक्ति आने वाला है, जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। हम तो होंगे नहीं, उद्धार प्राप्त किए हुए व्यक्ति जब वो ख्रिस्त विरोधी आएगा तब हम तो प्रभु के साथ होंगे, फिर इन बातों के बारे में जानने की क्या जरूरत है, पहला प्रश्न। उत्तर यह है, आगे पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन ही हमको इस बात का विस्तार देता है कि हमको उस ख्रिस्त विरोधी के बारे में जानना क्यों जरूरी है। जब वो उठेगा तब हम यहाँ नहीं होंगे, इसके बावजूद उस व्यक्ति के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, आगे पढ़िए। जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उनके अनुसार, अब अगला पद है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। तो जो एक्चुअल मसीह विरोधी है, जो एक्चुअल एंटी क्राइस्ट है, वो जब दुनिया में आएगा तब मैं और आप जिन्होंने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया हम यहाँ नहीं होंगे। लेकिन वो जो मसीह विरोधी आने वाला है उसकी आत्मा में कार्य करने वाले ऑलरेडी अभी भी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है,
आप शायद आप निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि मेरे आपके लिए इसका क्या महत्व है। महत्व यह है कि यदि मसीह विरोधी की आत्मा में काम करने वाले, यहाँ अनेक लोग खड़े होंगे, ऐसा कहा एक व्यक्ति ने, अनेक मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे, तो मुझे और आपको ये जानना जरूरी है कि जब मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे और वे जब ये घोषणा करेंगे कि हम परमेश्वर की ओर से आए हैं, हम परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, तब मसीही जगत में बहुत सारे लोग उनके पीछे दौड़ेंगे, बहुत सारे लोग उनके पीछे जो है चलेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, उनके अनुयायी बन जाएंगे। एक हिंदुस्तान के एक आप पूछेंगे कि अनुयायी होने में क्या नुकसान है, उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। एक आदमी जो सारे हिंदुस्तान के चंगाई की जिसने गारंटी ले रखी थी, जब उसको किडनी की बीमारी हुई तो जाके अमेरिका से किडनी बदलवा लाया, बहुत लोग उसके पीछे पागलों के समान उसका अनुकरण करते थे। ये मसीह की आत्मा नहीं, मसीह विरोधी की आत्मा है। आप तो दुनिया को चंगाई का वाचा कर रहे हैं, अपने आप को जब बीमारी हुई तो चुपके से रहस्य से हिंदुस्तान में हो सकता है, लेकिन उसको जाके यूएसए में करवा लाए जिससे कि किसी को पता ना चले। ये मसीह विरोधी की आत्मा है। एंड फाइनली जब उस सज्जन की बिटिया एक्सीडेंट में मर गई तो उन्होंने ये सब जगह प्रचार करवा दिया कि मेरी बिटिया मर गई है लेकिन उसकी आत्मा आपकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध है, उससे प्रार्थना कीजिए, उसको जो भेंट चढ़ाना है वो पैसा इधर भेजिए, हम उसको बता देंगे और वो जो मर गई है उसकी आत्मा आपकी सुरक्षा करेगी। लाखों लोग हैं जो उस लड़की की जो मर गई है उसकी आराधना करते हैं, उसके अलावा उसके बाप की आराधना करते हैं। ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने चंगाई का वर दिया है तो मैं अपनी बीमारी के लिए फिर हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, और यदि जाता हूँ तो मैं मसीह विरोधी की आत्मा में काम कर रहा हूँ, क्यों? मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप लोगों को झूठ बोल के आपको गलत दिशा में ले जा रहा हूँ। और यदि मैं कहता हूँ कि मेरे बेटे या बेटी या मेरे बाप या दादों का कि आत्मा आपकी सुरक्षा करती है, तो प्रभु का वचन का विरोध है, क्योंकि मरने के बाद कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता है, मरने के बाद उसकी आत्मा या तो स्वर्ग चली जाती है या न्याय के लिए, जो लोग नरक में जाएंगे उनकी आत्माएं न्याय के लिए अधोलोक में बंधी रहती हैं। किसी भी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आती है। मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ, किसी भी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी पर नहीं आती है। और ये जो शिक्षा है, ये जो टीचिंग है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा आती है वो आपकी सुरक्षा करेगी, ये शैतान की शिक्षा है। और कई बार जब हम उसमें पड़ जाते हैं तब कई प्रकार की आत्माएं जरूर हमारे जीवन में आकर कार्य करती हैं। किसकी आत्मा है? उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा नहीं, शैतान के साथ जो दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं। शैतान एक समय एक स्वर्गदूत था, ये डिटेल कभी मैंने यहाँ कवर नहीं किया, आज मैं क्विकली बता दूं, शैतान एक स्वर्गदूत था, भोर का तारा कहलाता था, आसमान में सूरज और चंद्रमा के बाद सबसे रोशनी देने वाली वस्तु है भोर का तारा, जिसको वीनस ग्रह के रूप में हम जानते हैं। जिन्होंने भोर का तारा देखा है वे जानते हैं कि भोर को यदि वीनस आप देख लें, इतना आकर्षक होता है कि कुछ पूछो मत। उसको भोर के तारे के बारे में कहा गया, तारे के रूप में कहा गया, लेकिन उसको घमंड हो गया, उस स्वर्गदूत को घमंड हो गया, और घमंड के कारण
उसने सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के भी ऊपर ले जाके स्थापित करूंगा। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को, लूसीफर को, स्वर्ग से बाहर कर दिया। वो है शैतान। लेकिन प्रभु का वचन एक बात याद दिलाता है, शैतान ने अपने छल से, अपनी चालबाजी से स्वर्गदूतों के बीच में एक तिहाई स्वर्गदूतों को अपने पक्ष में कर लिया। इस तरह स्वर्ग से ना केवल लूसीफर फेंक दिया गया, स्वर्गदूतों में से एक तिहाई भी उसके साथ स्वर्ग से बाहर फेंक दिए गए। ये है दुष्टात्माएं, ये है जो शैतान के दूत हैं। और इस कारण कोई यदि कहता है कि मैं आपके पिता की आत्मा से मिला दूंगा, मैं आपकी माता की आत्मा से मिला दूंगा, मेरे पास आइए, वो जादू मंत्र टोना वगैरह करके जो है कृत्रिम रूप से आपके पिता की या माँ की आवाज़ प्रोड्यूस करता है, तो इस चक्कर में ना फंसे। ये ना तो आपके पिता हैं ना आपके माता हैं। कोई मर गया, उसकी बिटिया आकर यदि आपकी सुरक्षा करती है, वो उसकी बिटिया नहीं है। ये सब दुष्टात्माएँ हैं जो आकर अपने छल से आपको फंसा देते हैं। दुष्टात्माएँ किसकी आत्माएँ हैं? शैतान की, मसीह विरोधी की आत्माएं हैं। तो इस कारण जो प्रभु का वचन कहता है, तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ये कौन है? शैतान की आत्माएं हैं जो मनुष्यों के द्वारा हमारे बीच में कार्य कर रही हैं। आज इस तरह के कई बाइबल टीचर हिंदुस्तान में हैं जो ये दावा करते हैं कि रात को प्रभु यीशु आकर उनके साथ वार्तालाप करते हैं। ये प्रभु यीशु नहीं है, शैतान की आत्माएं हैं जो उनके साथ आकर वार्तालाप करती हैं। और ये लोग जो टीचिंग देते हैं, ये परमेश्वर के वचन की टीचिंग नहीं है, शैतान की शिक्षाएं हैं। ये सब मसीह विरोधी की आत्मा में काम करने वाले लोग हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय, उससे दो बातें मैं आपको क्लोजिंग से पहले याद दिलाना चाहता हूँ। आप में से कई लोग इस तरह के तमाम सारे मसीही विरोधी लोगों के लेक्चर सुनते हैं और सुन सुन के अपना दिमाग जो है ख़राब करते हैं। क्यों? इसलिए कि इनका लेक्चर जो है बहुत लुभावने शब्दों में आता है, उनके मुंह से शहद टपकता है, लेकिन वो शहद नहीं, जहर है। इसलिए जो लोग शैतान की आत्मा में काम करते हुए प्रभु यीशु के नाम से लोगों को अपने फंदे में फंसाते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, ऐसे टीचर्स की टीचिंग को कतई ना सुने। ये मसीह विरोधी की आत्मा है। यदि कोई टीचर ये दावा करता है कि प्रभु उसको दर्शन देते, कोई टीचर ये दावा करता है कि प्रभु उससे बोलते हैं, ये शैतान की आत्मा है। प्रभु डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति से नहीं बोलते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं। यदि आप जिन टीचर्स की टीचिंग व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से सुनते हैं, यूट्यूब पर, और यदि वे ये दावा करते हैं कि प्रभु स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनसे वार्तालाप करते हैं, याद रखिए ये मसीह विरोधी की आत्मा है और ये लोग शैतान की मदद से कार्य कर रहे हैं। यदि कोई ये दावा करे कि प्रभु आकर उनसे नियमित रूप से वार्तालाप करते हैं, तो समझ लीजिए कि ये शैतान की बड़ी बड़ी आत्माएं हैं और ये लोग शैतान के लिए काम कर रहे हैं। तमिलनाडु से एक बाइबल टीचर के पत्रिका मैंने काफ़ी पढ़ी है, वो तो और भी ऊंचा खिलाड़ी निकला। उसका कहना है कि सारे दुनिया का संचालन कैसे करना है, इसके बारे में प्रभु यीशु आकर इस बाइबल टीचर से पूछते हैं। मतलब प्रभु यीशु को नहीं मालूम कि जिस विश्व की सृष्टि उन्होंने की, उसका संचालन कैसे करना है, इसलिए एक पापी और धोखेबाज से आकर रात को बात करते हैं। वो आदमी तो कुछ सीमा से ही ज़्यादा हो गया था। एक बार उसने लिखा कि
घर के नीचे, घर के पीछे एक तालाब है। केरल में किसी जमाने में घर के पीछे तालाब हुआ करते थे, छोटे छोटे तालाब, तमिलनाडु में भी हुआ करते थे, ये तमिलनाडु का है। तो उसने कहा कि तालाब में उतरने के बाद याद आए कि अरे 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 तेल लाना भूल गए। तो आवाज आई प्रभु की कि आप फिक्र मत कीजिए, गुलाम हाजिर है। और प्रभु यीशु तेल लेकर ना केवल उसके पास आए बल्कि उसकी पीठ पर अच्छी तरह से तेल भी मला। ये किसकी आत्मा है? ये शैतान की आत्मा है, मसीह विरोधी की आत्मा है। इस तरह के लोगों ने यूट्यूब को और व्हाट्सएप को अपने लेक्चरों से भर दिया है। और हम में से कई लोग जाने अनजाने इन चीज़ों को सुनते हैं। हम नहीं जानते, हम इसको नहीं पहचानते कि बार बार सुनने के कारण हम प्रभावित होकर प्रभु के पक्ष को छोड़कर शैतान के पक्ष की ओर जा रहे हैं। मैंने कई बार यहाँ पर एक उदाहरण बताया था। हिंदी में एक कहावत है जो मैंने कई बार सुना है, रसूरी आवत जावत है परे सिल पर निशान। गाँव में जहाँ पर कुएं पे पत्थर रहता है, उस पत्थर से लोग बाल्टी नीचे डालते हैं और उसके बाद खींचते हैं। बार 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 रस्सी नीचे ऊपर को जाती है, पत्थर में पत्थर कट जाता है और रस्सी का निशान बन जाता है। वो है रसूरी का मतलब है रस्सी। रसूरी आवत जावत है पड़े शिला पर निशान। इसी तरह से मसीही विरोधियों के लेक्चर, मसीही विरोधियों के लेख नियमित रूप से जो लोग पढ़ते हैं उनके मन में शैतान गहरा घाव कर देता है, गहरा निशान छोड़ जाता है। और एक सीमा के बाद शैतान को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और ये विश्वासियों के बीच में होता है। प्रभु ने मदद की तो हम बाद में इन भागों को देखेंगे, तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि विश्वासियों के जीवन में होता है। प्रभु करे कि आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इनमें से किसी के जीवन में भी ऐसा ना हो। इतना ही नहीं, जब इस तरह के लोग सर उठाते हैं तब हमको समझ लेना चाहिए कि प्रभु का आगमन निकट है। हम सब तैयार होकर बैठे इस सभा में। यदि किसी ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, उद्धार नहीं पाया, शाश्वत जीवन का अनुभव नहीं है, आज मेरे पास आकर मुझसे बात करें। जिनको शाश्वत जीवन का अनुभव है लेकिन यदि बपतिस्मा पाना चाहते हैं तो मुझे जरा सूचित कर दें, क्योंकि बपतिस्मा पाना एकदम से इंस्टेंट कॉफ़ी के समान नहीं है, उसके लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। इन बातों को जानने समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें।